ईरान पर हवाई हमले के बाद अब इसराइल को जवाबी हमले का डर सता रहा है। इसराइल ने 100 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर हमला बोला था। इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस आक्रमण के बाद ईरान ने भी तेवर दिखा दिए। इजरायली हमले के एक दिन बाद रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनाई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को धमकी दी थी। अंग्रेजी और फिर हिब्रू में लिखे गए पोस्ट में खामेनाई ने कहा कि ईरान के संबंध में इजरायल गलत अनुमान लगा रहा है। वो ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। ईरान के संबंध में ज़ायोनी गलत अनुमान लगा रहे हैं। हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोच्चतम हित में हो वो करना चाहिए। यहूदी शासन यानी इसराइल ने गलत कदम उठाया है। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। इसराइल के यहूदी देश होने की वजह से ईरान उसे ज़ायनिस्ट शासन कहता है। ईरान और इसराइल के बीच लंबे वक्त से 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। शनिवार को इसराइल ने ईरान के ऊपर अपना सबसे बड़ा हमला बोला था। ये पहला खुला हमला था जिसमें इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। इसराइल ने हमले के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इसराइल ने कहा कि उसने ईरान की मिसाइल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वायुसेना ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला नहीं किया। हालांकि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इजरायली हमले में तेहरान के पास परचिन में एक खुफिया सैन्य परिसर को निशाना बनाया गया। इस परिसर का इस्तेमाल पूर्व में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए किया गया था, जहां उच्च विस्फोट किए गए थे। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच तनाव हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद बढ़ा। ईरान ने नसरुल्ला की मौत का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला बोल दिया था। अब देखना होगा कि ईरान इसराइल से किस रूप में और कब बदला लेता है। आइए जानते हैं ईरान और इसराइल में किसकी सेना ज्यादा शक्तिशाली है। 2023 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों की सूची में इसराइल का स्थान 18वां है, जबकि ईरान एक पायदान ऊपर यानी 17वें स्थान पर काबिज है। ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है, जबकि ईरान में 5,75,000 एक्टिव और 35,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास हैं। इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसराइल के पास 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। ईरान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 4,071 है, जबकि इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। ईरानी सेना में कुल आर्म व्हीकल की संख्या करीब 70,000 है, जबकि इजरायली सेना में आर्म व्हीकल की संख्या 56,290 है। ईरानी सेना में कुल टॉड आर्टिलरी की संख्या 2,050 है, जबकि इजरायली सेना में टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली नौसेना में कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है, जबकि ईरानी नौसेना में भी कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है। इजरायली नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 67 है। ईरानी नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 101 है। इजरायली नौसेना के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरानी नौसेना के पास 19। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास 541 विमान है। इजरायली वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 241 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 196 है। इजरायली वायुसेना में कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 126 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास भी 126 हेलीकॉप्टर है। इजरायली वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 48 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 12 है।